सबसे पहले मैं देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो देश की आज़ादी में और आज़ादी के बाद में संविधान की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए जो लोग शहीद हो गए, उनको भी मेरी ओर से मैं पुष्पांजलि अर्पित करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं, उनको आज इस पावन पर्व पर याद करना चाहते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के त्याग से हम सब लोग आज स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, अपनी प्रगति कर रहे हैं। उन महान वीर सपूतों को हम ऐसे राष्ट्रीय पर्व के ऊपर नमन करते हैं और जिनकी प्रेरणा से हम आगे काम करते हैं। आज देश में जिस प्रकार की सत्ता काबिज है और जिस प्रकार लोकतंत्र को खतरा बना हुआ है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको पुनः देश की आज़ादी के समय जो ऊर्जा, जो त्याग की भावना, जो काम करने का जो जुनून था, उसको वापस लाना पड़ेगा। क्योंकि आज केवल इसलिए 150 सांसदों को निकाल दिया गया देश की संसद से और राज्यसभा से, कि संसद के ऊपर जो हमला हुआ, उस हमले में कौन लोग थे, ये हमला किसने किया और ये इसकी रक्षा कैसे की जाएगी, इसकी क्या कार्य योजना सरकार के पास में है, केवल इतनी सी बात पूछने के लिए 150 सांसदों को बात नहीं उठाने दी, उनको बाहर कर दिया गया। 18-18 कानून पारित करा लिए गए, ऐसे ऐसे कानून पारित करा लिए गए जिससे जो लोकतंत्र है वो हमारा, जो हमारी खूबी है सबसे बड़ी, कि विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और जिसमें चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और अन्य कई कानून, जो महत्वपूर्ण कानून बनाए गए, मैं समझता हूँ उनका, उनके ऊपर चर्चा नहीं होना, किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार नहीं होना, मीडिया को स्वतंत्रता के साथ में अपनी बात नहीं दिखाने देना और पर्चियों से सरकारें बनाना, जनप्रतिनिधियों की राय को कोई महत्व नहीं देना, विपक्षी पार्टी को कोई उसकी राय का महत्व नहीं देना, मैं समझता हूं कि ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए खतरे की बात है। जो बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया था, उस संविधान को नहीं मानना, उनकी व्याख्या मनमर्जी से करना, आपने देखा होगा कि श्रीकरणपुर में चुनाव था, वहां पर चलते चुनाव में आचार संहिता के दौरान मंत्री बनाना, और जब हमने उसके बारे में आपत्ति की कि ये गलत है, संविधान के मुताबिक नहीं है, आचार संहिता का उल्लंघन है, उसका आज दिन तक जवाब नहीं आया। वो मंत्री चुनाव हार गया, हट गया, लेकिन वो सही था या उनका कृत्य गलत था, इस बात का फैसला आज की तारीख तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया। तो फिर चुनाव आयोग क्या है, और उसी चुनाव आयोग को आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चयन की समिति से हटाना, मैं समझता हूं कि और भी लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और देश के लिए खतरे की बात है। इसलिए हमने आज सब कांग्रेस पार्टी के उन तमाम सिपाहियों ने ये संकल्प लिया है कि हम इस देश को और मजबूत कैसे बने, इस देश में लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, इस देश में संविधान कैसे
जिंदा रहे, संविधान को कैसे हम सब लोग देश के और प्रदेश के नागरिक मानते हुए कैसे अपनी प्रगति करें, इन सब के लिए संकल्पबद्ध होने के लिए मैंने निवेदन किया है कि हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। जिस कांग्रेस के सिपाहियों ने इस देश को आज़ादी से लेकर के अब तक जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं उसके लिए अपना अनेकों समय में अपना बलिदान दिया है, अपना योगदान दिया है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद में भारत जोड़ो नया यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश में, उस यात्रा को भी रोका जा रहा है। एक इंदिरा गांधी जी जो देश की प्रधानमंत्री थी वो शहीद हो गई, जिसके पिता राजीव गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, उसका बेटा जो लोकसभा का सांसद है, एक पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हुआ है, वो अगर देश के लोगों के मुद्दों को लेकर के अगर भारत जोड़ने की प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है, 36 कौमों को साथ लेने की बात कर रहा है और उसको आप न मंदिर में जाने दे रहे हैं न उसको यात्रा निकालने दे रहे हैं, तो इससे बड़ा खतरे की बात कोई हो नहीं सकती देश में। तो इसलिए इन सब ताकतों का मुकाबला करने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश की लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए हम सब लोग आज से मिशन पे लगे हैं। यही आह्वान मैंने किया। और राजस्थान में जिस प्रकार से जो सरकार बनी है, हमने जब सरकार बनी थी तो बधाई दी थी कि जनता का जो निर्णय है वो सिरोधार्य है और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी सरकार ने काम किया उससे आप बेहतर काम करेंगे। लेकिन जो 50-60 दिन का जो कार्यकाल इनका बीता है, ये आपसी अंतर्कलह में न मंत्रिमंडल ढंग से बना पाए, न उनके अधिकारी कर्मचारी लगा पाए, एक भी विकास का काम आज की तारीख में प्रदेश में चालू नहीं है, सारे कामों को रोक दिया गया है। और जिस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जा रहा है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांट करके और वोटों की फसल दोबारा लोकसभा चुनाव में काट लो, मैं समझता हूँ ये इनकी गलतफहमी है। प्रदेश की जनता, देश की जनता ये सब देख रही है कि हमारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, महिला है, बच्चे हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, इन सब मुद्दों के ऊपर देश की सरकार और राजस्थान की सरकार आज की तारीख में कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हम सब लोग जन जागरण करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। सीएम साहब कह रहे हैं कि संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने राम राज्य की परिकल्पना करी थी, उसी का सपना साकार कर रहे हैं केंद्र भी और हमारी सरकार। आए दिन प्रदेश में जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ रहे हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, क्या इसी रामराज की बात की थी बाबा साहब ने? आप संविधान की जो बाबा साहब की बातें तो कर रहे हो, लेकिन जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया क्या उसको मान रहे हो? क्या उसके मुताबिक आप काम कर रहे हो? अगर ऐसा होता तो बाबा साहब ने संविधान के कौन से पृष्ठ में किस जगह पे ये लिखा था कि 150 सांसदों को निकाल करके आप 18 कानून पारित करा लो? मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें देश और प्रदेश के लोग देख रहे हैं। समय आ गया है जब हर प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और इस देश को और इस देश के लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा।